हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसफुल कुकिंग विद मी। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन सा नाश्ता जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उन्हें आप किसी भी टाइम दे सकते हैं, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और इसका लुक ना तो बिल्कुल डिफरेंट होता है और इसकी फीलिंग तो और भी ज़्यादा अच्छी होती है, एकदम चीज़ी होती है और बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। बनाना बहुत आसान है, चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया 1/3 कप दूध। ये नॉर्मल मतलब कि ना गर्म दूध है, ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा गर्म दूध है। और फिर इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच देसी घी। आप चाहो तो यहाँ पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे लिया गेहूं का आटा 1 कप। आप चाहो तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर चाहो तो पूरा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने गेहूं के आटे का यूज़ किया ताकि बच्चों के लिए हेल्दी रहे। और यहाँ पे मैंने डाला है 1/4 टीस्पून जो होता है बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा नमक। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से इसको मैश कर लेंगे। अगर नीड होगी तो थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाना है हमें। अभी मेरे को आटा थोड़ा सा सख्त लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, 1 से 2 चम्मच बस। और फिर इसका अच्छे से डो बनाकर इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने डो तैयार कर लिया है अच्छे से और इसे मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ढककर। उतने में ही मैंने यहाँ पे कुछ तैयारियाँ कर ली। यहाँ पे मैंने बॉयल्ड स्वीट कॉर्न लिए हैं और साथ के साथ ना मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी लिए जिसे मैंने कद्दूकस किया है और इसका ना पानी निकाल दिया मैंने कपड़े से निचोड़ कर। तो फिर इस जो हमारी फिलिंग है ना वो बाहर भी करेगी नहीं। थोड़ा सा मैंने पनीर लिया, कद्दूकस किया और बीन्स लिए और शिमला मिर्च लिए। आप चाहो तो यहाँ पे गाजर का भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी ऐसी सब्ज़ी जो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हो और कोई भी ऐसी सब्ज़ी जो ना भी पसंद हो, क्योंकि बच्चे को तो पता ही नहीं लगेगा कि इसके अंदर क्या डाला है। तो आप सभी सब्ज़ियाँ दे सकते हो। यहाँ पे आटा मेरा सेट हो गया तो मैंने इसे ना थोड़ा सा घी लगा कर ग्रीस कर लिया और अच्छे से इसको मैश कर लेती हूँ ताकि एक सॉफ्ट सा मुलायम सा डो तैयार हो जाए। और दूसरी तरफ जो हमने सारी सब्जियां काटी थी उसको एक बाउल में निकाल देते हैं क्योंकि इसकी फिलिंग हमें तैयार करनी है। कुछ मसाले डालेंगे इसके अंदर और मैंने सबसे पहले यहाँ पे पत्ता गोभी, पनीर और स्वीट कॉर्न जो बॉईल किए थे वो डाले हैं और साथ ही साथ बीन और शिमला मिर्च भी इसी के अंदर ऐड कर देंगे। कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जितना आप बनाना चाहते हैं नाश्ता उसके हिसाब से। और फिर ना मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर आप चाहो तो उसे स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो ना तो उसका यूज़ ज़रूर करना क्योंकि बच्चों को जो गार्लिक टेस्ट है ना बाहर की चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर डालेंगे काला नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिर्च। अगर आपको नमक कम लगे तो थोड़ा दूसरा नमक भी डाल सकते हैं। बस इतने ही मसाले डालेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं डालेंगे हम, क्योंकि जो इसकी स्टफिंग होगी जो नॉर्मल से मसालों से मतलब कि अच्छी लगती है, ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो ग्रीन चिली डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है चीज़ और इसको बारीक बारीक काट कर डालूंगी इसके अंदर। आप चाहो तो कद्दूकस कर सकते हैं, लेकिन एक मतलब कि क्यूब ले हो ना तो वो कद्दूकस के ऊपर ही चिपक जाती है सारी, तो इसे बेटर यही है कि आप काट कर डाल दें। मैं तो काट कर डाल रही हूँ, आपकी इच्छा, आप कद्दूकस करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीज़ आप तभी डालिएगा जब आप पूरी प्रॉपर तैयार हों बनाने के लिए। और फिर मैंने आटे की लोई बना ली है, नॉर्मल जितनी हम रोटी की बनाते हैं, ज़्यादा मोटी नहीं बनानी है रोटी हमें, पतली सी रोटी बनाएंगे यहाँ पे। और साइज़ बड़ा या छोटा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ ही रखा है ना अपने नाश्ते का, बिल्कुल आसानी से बन जाता है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। वीडियो को एंड तक देखना, आगे क्या प्रोसीजर है, छोटे छोटे टिप्स है जो आपका नाश्ता बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से बनकर तैयार होगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखें, बीच में छोड़कर मत जाएं। और साइडों से ना ऐसे दोनों तरफ से उठा के इसको दबा देना है और फिर जो नीचे का पोर्शन है वो भी इसके ऊपर साइडों में ऐसे लगा के हल्के हल्के हाथों से दबा दें, एक मतलब कि ट्राइंगल शेप होती है ना वो तैयार हो जाएगी इस तरीके से हमारी।
और हाथों से अच्छे से चिपका दें इसको दबा दबा कर। और कॉर्नर मोटे लग रहे हैं तो थोड़े मतलब कि जो रोलर होते हैं ना उससे आप पतला भी कर सकते हैं दोबारा। और फिर इसे पलट देंगे हम इस तरीके से। और जो हमने फिलिंग तैयार की ना वो रखेंगे 1 से 2 चम्मच, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखिएगा आप। यहाँ इस साइज़ के लिए मेरे मतलब कि ना 2 स्पून काफ़ी थे। और सभी साइडों की तरफ आपको ना पानी लगा देना है अच्छे से, क्योंकि इसको ना अब हम बंद करेंगे। और सबसे पहले मैंने थोड़ी सी क्यूब भी रखी है चीज़ की, ताकि ये मतलब कि एक्स्ट्रा चीज़ ही लगे। और मैंने हाथ गीले कर लिए हैं और तीनों साइड जो है मैं अच्छे से इसको गीला कर लूँगी पानी से, ताकि जो हमारा नाश है अच्छे से चिपक जाए। और 2 कॉर्नर उठा लेने उसको ऐसे, और तीसरा कॉर्नर भी इसके साथ ही उठा लेना। और जो साइड से ना उसको दबा दबा के बंद कर देना इस तरीके से, और अच्छे से दबा के बंद करिएगा, नहीं तो ये खुल जाता है। पानी की कंजूसी मत करिए लगाने में, अच्छा सा पानी लगाइएगा और इसे दबा दबा कर इसका जो साइड से ऐसे आप बंद कर सकते हैं दबा दबा के। अब मैं दूसरा भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ, वो भी दिखा देती हूँ मैं दोबारा एक बार। फिर से दोनों साइड उठा के मैंने ऐसे इसको रख लिया है, कॉर्नर तैयार कर लिया है, और फिर नीचे से भी फोल्ड कर दूंगी और उनके साथ ही इसको अटैच कर दूंगी। कॉर्नर इसके हल्के हल्के हाथों से आपको दबाने हैं, अगर मोटे लगे तो मतलब कि जो रोलर होता है उससे आप पतला भी कर सकते हैं। और फिर इसे फ्लिप कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको फ्लिप कर दिया है, बाकी जो फिलिंग है वो ऐड करेंगे, चीज़ डालेंगे और पानी लगाएंगे दोबारा से। और तीनों कॉर्नर को अच्छे से पकड़ के उसको अच्छे से दबा के सीलिंग कर देंगे सारे हमारे नाश्ते की। आप एक बार बच्चों को ज़रूर बना कर दीजिएगा, काफ़ी हेल्दी होता है खाने, बाहर की चीज़ों से तो अच्छा होता है ये, और बच्चों का पेट भी आराम से भर जाता है। और क्योंकि ये गेहूं के आटे का बना हुआ है तो हेल्दी भी होगा उनके लिए, बच्चे पसंद भी करेंगे ऐसी चीज़ें, तो मोस्टली बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। पहले तैयारी करके रख सकते हैं आप इसे, और जब मन चाह आप तब इसे बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। और तीनों साइड के जो कॉर्नर है अच्छे से लॉक कर देने हैं हमें ऐसे दबा दबा के, और हल्का सा ना हाथ के ऊपर रख के इसको प्रेस कर देना है, ताकि जो ऊपर का जो है ना वो भी अच्छे से शेप ले ले। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका, लुक जो काफ़ी डिफरेंट है, दिखने भी अच्छा लगता है। आप पार्टी वगैरह में भी स्टार्टर के रूम में इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर घर में मेहमान आ रहे हैं तो पहले तैयारी करके रख सकते हैं, उनके आने पर बना सकते हैं। इससे नीचे का जो पार्ट है उस पर अच्छा सा पानी लगा देंगे। और तवा हमारा गर्म है, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखी हुई है, इसी तरीके से आपको रखनी है। जब अच्छे से तवा गर्म हो जाएगा तब आपको सारे नाश्ते को इसके ऊपर रख देना है जितना आ सके। मेरा वाला तवा जो है वो छोटा है, इसलिए मैं इसके ऊपर 3 ही रखूँगी। अगर आप चाहो तो 4 रखना चाहो तो 4 भी रख सकते हैं। और 4 से 5 मिनट इससे पकने देंगे, उसके बाद ना इसको साइडों से ऐसे जो आँच होती है, फ्लेम होती है जो हमारी, उसके ऊपर ऐसे सेक लेंगे बिल्कुल धीमी फ्लेम के ऊपर। ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो नाश्ता कच्चा रह जाएगा। बड़े आराम से करना है, दिखने में आपको लगता है कि ये तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इसको सेकने में ना टाइम लगता है, इसलिए बड़े आराम से करिएगा। ऊपर नीचे बिल्कुल चारों तरफ एक मतलब कि ना आपको अच्छे से इसको सेक लेना है। एक हमारा तैयार हो गया था, उसको उतार के मैंने रख दिया है साइड में। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और दोनों तरफ से अच्छे से सीका है देखिए। और यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी रखा हुआ है, पहले साइडों से इसको अच्छे से मैं सेक लेती हूँ और फिर सेंटर से थोड़ा ऊपर करके करना है, एकदम ऊपर भी मत करिएगा आँच के ऊपर क्योंकि जल ही जाए, थोड़ा हाइट पे रखिएगा तो अच्छे से बनकर तैयार होता है। देखिए नीचे से बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं, काफ़ी गर्म है ये। और फिर आप कोई भी स्टैंड लेकर जो चिमटा होता है ना उसकी हेल्प से भी इसको जो साइड से कहीं आपको लगे कि नहीं सिका उसको ये सेक सकते हो अच्छे से।
और यहाँ पे सारा जो है हमारा तैयार हो गया नाश्ता। और इसके ऊपर मैं घी लगा देती हूँ अच्छे से। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना हरा धनिया काट कर लगाया है, और जिससे इसका लुक और भी अच्छा आया है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का जो नाश्ता है हमारा कैसे लगा। आपने ट्राई किया या नहीं किया वो भी बताइए ज़रूर। एकदम मतलब कि मार्केट स्टाइल जो स्ट्रीट में मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसी स्नैक्स टाइप लग रहा है हमारा, और बच्चों को तो खूब पसंद आने वाला है। अगर कोई मेहमान भी खाएंगे ना, आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रुक पाएंगे वो, इसलिए एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और साथ के साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपी का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली एक ऐसी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।